बस हमारी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि समबडी हैज़ टू बी अकाउंटेबल, समबडी हैज़ टू बी अकाउंटेबल, क्योंकि जान गई तो नेग्लिजेंस हुआ। आपके इन्वेस्टिगेशन में आप देखिए नेग्लिजेंस किससे हुआ, राइट? या हॉस्पिटल से हुआ, या डायरेक्टर ऑफ तेलंगाना से हुआ, या वो ड्राइवर से हुआ, किससे हुआ? क्योंकि जब एक जानवर भी मरता ना सब, उसके ऊपर एक केस होता, या इंसाना मर गए, आप वहाँ पे बैठे हुए सिस्टम को मजबूत करने के लिए। मैं यहाँ हूँ एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को मजबूत करने को। आपको सिस्टम को मजबूत करना है कि नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर अपन कुछ देने का है, और आप जो भी है जगह पे है आप वहाँ जस्टिस करना। तो हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है बोल के हम किंगकोटी हॉस्पिटल नहीं गए, वहाँ हम सुपरिटेंडेंट से बहस नहीं करे, नामा दो बोल के गड़बड़ नहीं करे, क्योंकि आपको और हमारे को मालूम है तौर तरीका कैसा डील करना। आपके जितने में लिमिट में है आप उतना काम करते हैं, मगर हमारा फर्ज बनता आके जब कोई चीज़ हमारे नज़र के सामने आई तो आई के नॉट बी एंड यू के नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर और म्यूट विटनेस आप नहीं बन सकते। तो उसके लिए हम आके आपको कंप्लेंट दिए। ओके, आप देखिए व्हाट बेस्ट यू कैन डू, राइट? थैंक यू। एंड आपको मैं जाते जाते एक बात बोलूँ कि फ्रंट लाइन वर्कर्स में तेलंगाना पुलिस वंडरफुल जॉब, मैं पहले भी तारीफ कर चुका हूँ, आज भी कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स असाइड, बट सो नहीं चलता 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 ओके। तो पॉलिटिक्स बाजू रखिए आप, मगर आप जो काम कर रहे हैं आपको हमारा सलाम, वी सल्यूट यू। कांस्टेबल से लेकर डीजीपी साहब, आप लोग जितनी बलिदान दिए कोई भी नहीं दिए, तो विथ ऑल द ड्यू रेस्पेक्ट फॉर यू, राइट? खाली ये सब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आज हम नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लॉन्च करें जो 9 मई के दिन किंगकोटी हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की खिल्लत के लिए जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है 6 से 7 लोग मरे। जब हॉस्पिटल गए हम सुपरिटेंडेंट से मालूम करने की कोशिश करे तो वो नाम हमारे को नहीं बता रहे। वहाँ से मैं इमीडिएटली हम निकले, नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन आए और आके कंप्लेंट लॉन्च करे कि देखिए साहब 3 जने मरे, 5 जने मरे, 7 जने मरे, मगर लफ्ज़े इंसान मारा, तो कोई ना कोई अकाउंटेबल है ना? या किंगकोटी हॉस्पिटल या डायरेक्टर फॉर तेलंगाना मेडिकल के लिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब तो नहीं है, मगर चीफ सेक्रेटरी साहब इंचार्ज है, या वो ड्राइवर जो ऑक्सीजन टाइम के ऊपर लाके प्रोवाइड नहीं करा, तो हम सीधा से गवर्नमेंट को एक क्वेश्चन पूछते, साहब आप ये बात बोले हैं कि फ्री वैक्सीनेशन पूरे तेलंगाना स्टेट को 4 करोड़ लोग को आप दे देंगे, आज का पोजीशन क्या है? झूठ नंबर 1 केसीआर का। नंबर 2, आप ये बात बोले हैं कि ऑक्सीजन की खिल्लत नहीं है, ऑक्सीजन हम दूसरे स्टेटों से मंगा रहे हैं और ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम हर एक हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन ऑडिट लगाए, ऑक्सीजन जहां पे जरूरत है मैं ऑक्सीजन भी जा रहे और ऑक्सीजन वेस्ट नहीं होना बोल के हम ऑडिट लगा रहे। आप ये बात बोले कि पहले COVID-19 फर्स्ट वेव जब आया सितंबर में, आप बोले कि हमारे पास 18,000 बेडा है, और आज आप बोल रहे हैं कि सेकेंड कोविड के अंदर हमारे पास 62,000 बेड्स है विथ ऑक्सीजन। आप बोलिए ये बात में कितनी सच्चाई है? मेरे को रोज 50 फोन आते, बेड होना, ऑक्सीजन होना, इंजेक्शन होना, इंजेक्शन का नाम भी बोल रहा हूं मैं, आप रेमडेसिविर जो इंजेक्शन 3,500 का है वो आज 25,000-30,000 में मिल रहा है, और एक इंजेक्शन का नाम है टॉक्सीजुमा वो 60,000 में मिल रहा, और एक इंजेक्शन का नाम है इथोलिया जुमा वो 70,000 रुपए में मिल रहा। फिर उसके बाद आप बोले डोर टू डोर सर्वे करता हूं, केसीआर साहब आपको बोल रहा हूं मैं,
डोर टू डोर सर्वे करता हूँ और जितने भी COVID-19 के पेशेंट्स हैं उनको जो भी जरूरत है, मेडिकल एड है, मैं प्रोवाइड करता हूँ। डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं साहब आप, और आप ऑन रिकॉर्ड आपके चीफ सेक्रेटरी आके ये बात बोलते हैं, पूरे तेलंगाना के अंदर हमारे पास 33 मेडिकल एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस नहीं, मेडिकल एम्बुलेंस का मतलब वो मैं एम्बुलेंस के अंदर ICU के वैसा अरेंजमेंट रहता, डॉक्टर रहता, ऑपरेशन हो सकता। और उसके बाद आप क्या बोले, हमारे पास ऐसा एम्बुलेंस है जो हवा में, एयर एम्बुलेंस भी है बोले। तो मैं KCR साहब को बोल रहा हूँ, आप झूठ बोलते बोलते थकते नहीं KCR साहब। अगर से आपके पास 33 मेडिकल एम्बुलेंस थे और यहाँ पे आपका ड्राइवर जो भी है जड़चल्ला से निकला और उसको किंकोटी आना था और उन्हें चले गया उस्मानिया हॉस्पिटल, आपका स्टाफ क्या कर रहा था, आपका मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, आपका मेडिकल डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आप ये एम्बुलेंस आप भिजाना था और ये गरीब की जान लोग बचाना था? तो रही बात, सिर्फ एक ब्लेम गेम चल रहा, नरेंद्र मोदी स्टेट पे डाल रहा, स्टेट नरेंद्र मोदी के ऊपर डाल रहा। सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, हाई कोर्ट बोल दिया, आप ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे, नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत हूं और आप ऑक्सीजन नहीं दे सक रहे पूरे हिंदुस्तान को, आप वैक्सीनेशन नहीं दे सक रहे पूरे हिंदुस्तान को। आज बाहर कंट्रियों से जब फोन आता मेरे को तो मेरा सर शर्म से छुप जाता और ये बोलते कि हमारे कंट्रियों में बैनरा दल गए सेव इंडिया। आपका नरेंद्र मोदी तब बड़ा चढ़ के बात करता, ऑक्सीजन नहीं दे सक रहा आपको, हिंदुस्तान का पूरा विहार खत्म कर दिया नरेंद्र मोदी। तुम KCR को कुछ बोले नरेंद्र मोदी पे डालता, नरेंद्र मोदी को कुछ बोले स्टेटों के ऊपर डालता, KCR ड्रामा। अरे भाई मैं प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री को लेटर लिखा परसों, मैं पीयूष गोयल वो यूनियन मिनिस्टर से बात कर दिया, ऑक्सीजन की कोई परेशानी नहीं है। कल बोल रहे प्रधानमंत्री से मैं बात कर लिया, तो खाली आप लोग ड्रामा करते। गरीब कमजोर आवाम मर रही, आप लोग जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं आप अंडर रेट रिपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं आप अंडर रेट बोल रहे हैं। जब मैं शमशान को जाता हूं, शमशान घाट को जाता हूं, वहां से पता चलता कि एवरी डे 5 या 4 लाशों को हम जलाते थे, आज 20 लाशों को हम जला रहे हैं। मैं जब खबरस्तान को जाता हूं वहां पे ये बोलते कि 3-4 लाशों को हम दफनाते थे, आज 20 से 25 लाशों को हम दफना रहे। कई लोग एम्बुलेंस में आते आते मर जा रहे, कई लोग गाड़ी में आते आते मर जा रहे। गांवों में मेडिकल सर्टिफिकेट आप नहीं देते, शहर के हॉस्पिटलाइज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो गांव के हॉस्पिटलों में क्या रहता? धोखा दे रहे हैं आप लोग, सेंटर और स्टेट दोनों। ये COVID-19 के सेकेंड वेव के अंदर टोटल फेल हुए, आपका जो हेल्थ सिस्टम है पूरा फ्लॉप हो गया और हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर आज मजाक उड़ाया जा रहा। शेम शेम नरेंद्र मोदी, आप तो भी झूठ ना को बोलो मेहरबानी करके। और यहां पे KCR तुम सिर्फ बातों के हैं, वैक्सीन की बात बोले वैक्सीन दे सके, ऑक्सीजन की बात करे ऑक्सीजन दे सके, बेडों की बात कर रही दे सके तुम, डोर टू डोर कैंपेन बोले हो रहा, एम्बुलेंस का जिक्र करे हो रहा, ड्रग्स नहीं है इंजेक्शन, मैं आपको नाम बोला, रेमडेसिविर है, टॉक्सीजुमा है, इथोलीजुमा है, नहीं है आपके पास, आप मॉनिटर कर रहे नहीं कर रहे हैं आप क्या बोले, आप ऑक्सीजन हमारे पास है बोले, आप ऑक्सीजन ऑडिट करते बोले, क्या कर रहे हैं आप ऑडिट बताइए मेरे को आप। तो हर जगह आप झूठ बोले, हमारी सोनिया गांधी सही बोली थी, नरेंद्र मोदी मौत का सौदागर, और यहां पे KCR सबसे बड़ा बट्टेबाज। अरे गरीब कमजोर इंसान के ऊपर आप लोग राजनीति खेलना छोड़ दो साहब, आज हिंदुस्तान की आवाम बेबस बेसहारा होके इधर उधर भाग रही। अब तो भी कम से कम सेकेंड वेव में तो आप कुछ नहीं कर सके, अब थर्ड वेव आ रहा कहते,
अब आप क्या करने वाले हैं? प्रिपरेशन है, प्लानिंग है? अरे बेशरम गवर्नमेंट, सेंटर और स्टेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोल रही ना रे बाबा, उसके बाद में भी तुम्हारे को दिमाग में नहीं आ रहा। WHO बोला समझ में नहीं आया तुम्हारे को, ICMR बोला समझ में नहीं आया, अब तो भी अपनी आंखें खोलो। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद। डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर 2999 की जगह सिर्फ 1499 रुपए में। होलसेल और रिटेल खरीदारी के लिए तशरीफ लाए MPM मॉल, बिग बाजार, फोर्थ फ्लोर, एबिट्स, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा करें, या डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर क्लिक करके ऑर्डर बुक कराएं।